तो आज हम आ गए हैं श्री सागर डोसा कॉर्नर में, जो कि लक्ष्मी नगर में है। तो भैया आप कौन सा डोसा लगा रहे हो? रवा वेज मसाला डोसा। ठीक है, हाँ तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। हाँ, तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। हाँ जी, तो इसमें भैया ने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी। हाँ जी, पहले सूजी डाला, उसके बाद पानी डाला, वो नमक हल्दी। ठीक है, जीरा अभी, जीरा और थोड़ा सा जीरा। हाँ जी, मैं लगाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो ये रवा डोसा बनाने का स्टाइल है इनका। हाँ जी सर, इसके बबल्स आ रहे ऊपर को, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ऊपर से आपने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया इस पर। हाँ जी सर, ठीक है। ऊपर ओनियन डालो। ठीक है, ये अनियन और क्या है? गाजर, कड़ी पत्ता। अच्छा, इसके बाद तिल। तिल? हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा तिल डाल रहे हैं, मैंने तिल कहीं नहीं देखा डालते हुए। तेल? अच्छा, रिफाइंड ऑयल डाल रहे हो। थोड़ी सब्जी। ठीक है, और थोड़ी सी सब्जी जो उसमें डलेगी। तो सब्जी में इन्होंने यहाँ पे डाला है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स। उसके ऊपर पनीर पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा पनीर डलेगा इसमें। इसका प्राइस क्या है वैसे? हाँ जी, इसका प्राइस क्या है? इसका कितना? 130 रुपये। 150। अच्छा, तो इसका प्राइस है 150 रुपीज़। हाँ जी सर, तो काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है देखने में ये। अच्छा, इसको रिफाइंड में थोड़ा सा कुक करेंगे। भैया बटर कब डालोगे सर? और ये मैंने बटर डाल दिया है। इसके बाद आलू। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जो इन्होंने मैश पोटैटो है वो डाल दिया इन्होंने। इसके ऊपर टमाटर ग्रेवी और थोड़ी सी इस पर टमाटर ग्रेवी। तो टमाटर ग्रेवी आप पहले से बना के रखते हो? हाँ जी सर। तो बहुत ही स्पेशल बनने जा रहा है ये, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो लक्ष्मी नगर में कहाँ पे एग्जैक्टली शॉप? निर्माण विहार। अच्छा, निर्माण विहार में कहाँ पे? जैसे किसी को आप यहाँ पे आ शकरपुर। हाँ जी, निर्माण शकरपुर, पिलर नंबर 61 के सामने। ठीक है, पिलर नंबर 61 के सामने निर्माण विहार। हाँ जी, और इसकी टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से लेके रात में 10:30 तक। ठीक है, और हफ्ते में कितने दिन चालू रहता है? रेगुलर 7 डेज। पूरा 7 डेज। ठीक है, तो ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है पूरी, और अब इसको इसके फिल कर दोगे इसको ना? प्लेट में डालो ना। अच्छा, प्लेट में। तो ये वेजेस पैक हो गई है बीच में इसके, और ये डोसा रेडी हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है खाने में। और ये इनका सांभर है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इनका सांभर भी साथ में ट्राई करते हैं। ये हो गया लाल चटनी। लाल चटनी? हाँ जी।
ये हो गया नारियल की चटनी, ठीक है ठीक है। और इनका सांभर आ गया दोनों को, तो ये प्लेट लगा दो आप।